जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जून से बुढ़ापा पेंशन नया सिस्टम लागू हुआ है। बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं बुजुर्गों की मौत, बड़ा ऐलान हो चुका है, नया लेटर जारी है, सुनिए सभी। अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बुढ़ापा पेंशन के लिए। आय सीमा 2 से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई है। हरियाणा में 60 साल की आयु के बाद मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताते कि पहले बुजुर्ग दंपति या अकेले बुजुर्ग की 2 लाख रुपए से अधिक ज़्यादा की आय होने पर पेंशन नहीं मिल बनती थी, इसलिए सरकार ने हाल ही में बजट में आय सीमा 3 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। सरकार ने बजट में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन को 1 अप्रैल से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये करने का ऐलान किया था। 2019 में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार बनने पे से पहले 2000 रुपये पेंशन थी, इसके बाद से अब तक 750 रुपये की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को, तब तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ हमारे एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।